सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रेयर कैमरा कर दे रहा हूँ, सॉरी कर रहे हैं यस ना। मैम। सतनाम यू आर लाइव नाउ। हाँ मैम, रति मैम। हाँ जी प्लीज स्टार्ट, यू आर लाइव नाउ। ओके मैम, आप रति मैम बोल रही हैं? सोनिया, हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। अच्छा हाँ, हेलो एवरीवन, मैं सतनाम कौर, आशियाना गार्डन, सुनारी, जमशेदपुर। मैं आज आपको लॉकडाउन कुछ ब्यूटी टिप्स बताने जा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे शहरों में ऐसा है कि लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगी जो आप घर बैठ के अपना खुद कर पाए। और मुझे मालूम है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी को भी, किसी भी लेडीज को, थ्रेडिंग की, है ना। तो थ्रेडिंग अगर हम पार्लर या सलून में ना जाए और वो नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैं आपको एक अपने घर बैठे इजी प्रोसेस बताने जा रही हूँ जो आप सब ट्राई करें और अपने अनचाहे हेयर हटा पाए। आईब्रो भी आप कर सकते हैं, अपर लिप चिन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, जैसे कि मिरर तो सबके घर पे होता ही है ना। तो अगर आपके आप ड्रेसिंग टेबल है कोई भी, जैसे मेरे पास तो थोड़ा बड़ा मिरर है, तो आप लोगों के पास अगर छोटा मिरर है तो इस तरह का एक नेल किल, जब अगर कोई ड्रेसिंग टेबल होता है तो आप देखेंगे कि उसके यहाँ पे इस जगह पे ड्रेसिंग टेबल में लकड़ी होती है जहां वो आराम से लग सकता है। तो वैसे मैंने एक किल लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आप ठोक लीजिए और एक थ्रेड लीजिए। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो आप धागा लेंगे आपके घर में, जो भी धागा है जिससे हम लोग कपड़ा भी सीते हैं ना, तो अगर वो भी धागा है आपके पास में तो आप वो धागा ले लीजिए और उस धागे के किनारे में ऐसे गांठ लगा लीजिए। अब उस धागे को आप इस तरह से उस नेल में फंसा लीजिए, ठीक है। अब आप इसको जैसे ऐसे ऐसे राउंड 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 करके आप अपने अनचाहे हेयर, अगर आप आईब्रो बनाते हैं तो ये देखिए आप अपने आराम से अनचाहे हेयर निकाल सकते हैं। हम लोग बहुत बढ़िया, मेरा आवाज नहीं जा रहा है, मेरा आवाज नहीं। ये देखिए इस तरह से आप अपना आईब्रो, कम से कम आईब्रो के ऊपर तो आप आराम से ही निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड में लीजिए ऐसे राउंड करके, इसमें आपको अपने फेस के मोमेंट करने हैं, ठीक है। ये देखिए अपने फेस की अभी हम देख रहे हैं बाद में, ठीक है। ये जो ऊपर का धागा है जो ऊपर की तरफ है उसको पुल करना है, ये जो आपके हाथ में है उसको पुल करना है। अपने अपने फेस को धागा तो देखिए वहां से कोई पुल कर नहीं सकता, ठीक है। अपने यहाँ वाला जो मैं है ना इसको सिर्फ बढ़ा रही हूँ घटा रही हूँ इसको ऐसे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ये फेस की मोमेंट रहनी चाहिए, जैसे आप ऐसे लगाए, आप फेस को आगे कर रहे हैं, सटा लिए धागे को, फिर आप फेस को पीछे कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपर लिप भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा आप लोगों को? जैसे आपके हाथ से इधर का कर लिया तो आप ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा आराम से, फिर आप इस हाथ से इधर का करेंगे, ये देखिए। ऐसे आप लोअर लिप का कर लीजिए, ठीक
ऐसे लोअर लिप का, और जिनके चिन पे होते हैं तो आप चिन भी निकाल सकते हैं ऐसे ऐसे करके। वैसे तो आजकल हम लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हेयर हो जाते हैं तो बहुत जन को इचिंग होती है ना। तो अभी लॉकडाउन में क्या है, सबसे पहले सलून ही बंद होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप घर बैठे इसको ट्राई करें, और हो सके तो अभी जैसे कोरोना चल रहा है बोलते हैं कि पहले फर्स्ट वेव आई अब सेकंड वेव आई, लेकिन सेकंड वेव अब खत्म हो गई है जैसे बोल रहे सब, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अभी अपने घर से बाहर ना निकले। मेरा तो प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें, क्योंकि अगर आप लोग सुरक्षित रहेंगे, मैं ही मेरे लिए ही मेरी जो क्लाइंट है अगर वो घर पे रहे अभी ना आए मेरे पास या कहीं भी क्राउड में ना जाए, तो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो जिंदगी भर मेरे पास आएगी। अगर थोड़ा अगर लापरवाही करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए हम कुछ थोड़ा बहुत टिप्स देते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसे ही हमने ये अगर और लोअर लिप अगर आपका जैसे आईब्रो का नीचे का आप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आप ट्यूजर यूज कीजिए, लोअर का आप खुद नहीं कर पाएंगे तो मिरर देख के आप नीचे का ट्यूजर से कीजिए। आप जब भी बाजार से ट्यूजर खरीदे ना तो ये बहुत ही शार्प होता है एकदम, तो उसे आप जब अपने हेयर खींचते हैं तो वो हेयर कट जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब इसको लाते हैं ना तो इसको किसी फाइलर से पहले इसको फाइल कर लीजिए, उसके बाद आराम से खिंच जाएंगे हेयर रूट से। और एकदम आप क्या कीजिए, थ्रेडिंग करनी है तो या तो आप थ्रेडिंग मत कीजिए लॉकडाउन में, या ऐसा कुछ प्रोसेस कीजिए, नहीं तो वैक्स की वैक्स से कीजिए। अगर आपके पास वैक्स है ठीक है, नहीं है अगर वैक्स तो आप घर पे भी बना सकते हैं वैक्स, चीनी नींबू और ग्लिसरीन मिला के, तो आप उससे करिए। नहीं तो आप बेटर रहेगा कि आप बाकी वो सब मत यूज कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम तो वो आजकल क्या निकला है रेजर से कर लेते हैं, या ब्राउन का निकला है उससे हम कर लेते हैं, लेकिन उससे बहुत हार्ड ग्रोथ हो जाती है। हमारी एक क्लाइंट ने लास्ट लॉकडाउन में क्या किया कि वो लगा लिया अपना क्या बोलते हैं जिससे हेयर रिमूव करते हैं बीट वूट कुछ ऐसे, तो वो लगाने से उनके रिएक्शन हो गया था, उनकी स्किन जल गई है उससे के पे। तो ऐसा आप कभी मत करिएगा कि अपर लिप में, या क्योंकि हमारे अपर लिप और चिन सब बहुत ही सेंसिटिव, कुछ ये जगह तो बहुत ही सेंसिटिव है, अगर यहाँ आप ऐसा कुछ लगाते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्शन होगा और जिंदगी भर के लिए दाग बन जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। तो इसी तरह आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये टिप इसके लिए। और मैं आपको एक बताना चाहूंगी हेयर के लिए भी, घर पे आप स्पा कैसे करें। अब हो गया इसका तो हो गया, अब मैं आपको हेयर का बताती हूँ कि आप घर पे स्पा कैसे करें। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग जितना भी महंगा कर ले लेकिन घर का जो होता है वो घर का ही होता है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये मेथी बोलते हैं ना, मेथी ऐसे आप मेथी पीस लीजिए, इस तरह से मेथी पीस लीजिए। तो ये एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच मेथी है, जो कि ये भी एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच ही मेथी है जो मैंने सुबेरे भिंगा दी दही में, आप देख रहे हैं, दिख रहा है ना जी। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये मेथी भिंगा दी, जब भिंगा दी ना तो इसमें बड़ा चिपचिपापन सा आ गया है। तो इसी तरह अब हम इसमें क्या करेंगे, जिनके हेयर में डैंड्रफ है तो वो इसमें एक नींबू डाल सकते हैं, ठीक है, निचोड़ के। और अगर किसी के फ्रिजी है तो आप अंडा डाल सकते हैं, अंडा, लेकिन अंडा का जो येलो वाला है वो नहीं डालना है, सिर्फ व्हाइट वाला डालना है। जब आप अंडा उसे डालेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा तोड़ेंगे तो व्हाइट वाला अपने निकल जाएगा और वो जो है येलो नहीं निकलता। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने मेथा बिका के रखा हुआ है सुबह से, मैंने इसको सुबह में भिगा दिया था दही में। अगर बहुत ठंड है, ठंड में आप दही नहीं मतलब चाहते हैं तो आप दही मत लगाइए, ये इसमें दूध डाल दीजिए, दूध से कीजिए। ये एलोवेरा जेल है, मेरे घर का है तो ये मैं घर वाला यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ऐसा लगा हुआ घर में नहीं है तो आप पतंजलि का या किसी का भी एलोवेरा जेल आप डाल सकते हैं। तो ये एलोवेरा जेल को आप ऐसे भी डाल सकते हैं, और हो सके तो आप इसको मिक्सी में, मिक्सर में पीस लीजिए, पीस के आप
और थोड़ा सा इसमें मैं हनी मिलाऊंगी। आप लोग घर में तो करते ही होंगे, घर घरेलू उपचार घर में करते ही होंगे। से मैंने इसमें थोड़ा हनी मिला लिया, ठीक है? कोई भी हनी मिलाइए आप, लेकिन प्योर, अगर प्योर मिल जाए, मीन्स हमारे तो आशियाना गार्डन में बहुत जगह मधुमक्खी के लगे होते हैं वेब। ये देखिए इस तरह से ये पूरा चिपचिपा सा हो जाएगा। सिर्फ मैंने ये जितना है ना इसपे, ये एक चम्मच इतना ही मैंने ये भिगोया था सुबेरे, ठीक है? अब आप इसमें क्या अंडा मिला सकते हैं और थोड़ा दही मिला सकते हैं, ठीक है? अब आप क्या कीजिए, अपने हेयर को चार भाग में बांटिए, चार भाग में बांटिए। और जो आगे के जो है ना, आगे के हेयर जैसे चार भाग में बांटने की मतलब ऐसे करके ये ईयर टू ईयर, ठीक है? पहले हमने पार्टीशन किया, जैसे हम दो चोटी करते हैं तो वो पार्टीशन किया, फिर हम ईयर टू ईयर मतलब चार भाग कर लिए। तो जो हम पहला आगे का जो भाग है, हम पहले उसमें इसको अप्लाई कर लेते हैं। जैसे आप सलून में जाते होंगे, पार्लर में जाते होंगे तो आप लगवाते होंगे, तो इसको एकदम स्कैल्प से लगाइए, एकदम मतलब जड़ से लगाइए। अगर किसी को इसमें अगर तेल कहीं नहीं जाना है घूमने, तो इसमें कुछ तेल डाल दीजिए, या फिर प्याज का रस भी डाल दीजिए इसमें, ठीक है ना? प्याज का अगर रस नहीं तो प्याज पूरा पीस के चटनी ही डाल दीजिए, वो भी इसमें चलेगा, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, आप पहले इसको चार पार्टीशन करके, जो चार किया उसमें भी चार कीजिए और लगा के फिर आगे का जुड़ा बना लीजिए। इसी तरह इधर का कीजिए, फिर ऐसे पीछे का करिए, पूरे हेयर में इसको अप्लाई कीजिए, मतलब रूट से लेके पूरा एंड तक अप्लाई कीजिए। करने के बाद इसको आप आधा घंटा रखिए, वॉश कर दीजिए, बहुत ज्यादा मत चिपाइएगा, ठीक है? आधा घंटे के बाद आप इसको, हाँ हेलो, अब मैं आपको एक स्क्रब बनाना सिखा रही हूँ, स्क्रब, ठीक है? तो आप वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्क्रब है, लेकिन मैं आपको ये जो स्क्रब बनाना सिखा रही हूँ बहुत इजी है। जी, ये जो भी आपने हमें हेयर मास्क बताया है, इसका बेनिफिट क्या है? हाँ वही मैं पूछ रही थी, उसका बेनिफिट क्या है? देखिए आप लोग हेयर स्पा करवाने जाते है ना, हेयर स्पा करवाने जाते हैं ना पार्लर में, तो आप हेयर सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो आपका घर का है, तो इसमें क्या है कि एक आपको एकदम प्योर ट्रीटमेंट मिल रहा, दूसरा वही रिजल्ट आएगा, एकदम स्मूथ आएगा। जैसे मैंने बोला ना कि इसमें आप थोड़ा सा दही डाल लीजिए और अंडा डाल लीजिए और पूरे हेयर में लगाइए, तो एकदम स्मूथ सिल्की और शाइनिंग, जैसे आप देखते होंगे ना किसी किसी को बहुत शाइनिंग चमकते हुए हेयर होते हैं, ऐसे आएगा। ये आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला आप एक हफ्ते में एक बार भी करिए, कोई नुकसान नहीं है। अगर इसका कोई बेनिफिट नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है? इसको करिए। और कुछ अभी मैं आपको एक, हेलो जी मैम, इसको ऑयल वाले हेयर पे लगाना है या ड्राई पे लगाना है? ड्राई हेयर से इसको आप मतलब हेयर वॉश हो उसके बाद ही लगाइए, हेयर वॉश करने के बाद ही लगाइए। अगर आप ऑयल के आदि हैं, मतलब आप हमेशा ऑयल लगा के रखते हैं, तो इसमें ऑयल डाल लीजिए, उस पैक में ऑयल डाल लीजिए, ठीक है? और मैम वॉश करने के बाद फिर शैम्पू करना है या नहीं करना है? पहले शैम्पू करेंगे आप, फिर बाद में फिर वॉश करते हैं। हाँ, जैसे स्पा का प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। जैसे हम अगर पार्लर में, जैसे मैं ब्यूटिशियन हूँ तो मैं आप लोगों को हमेशा ब्यूटी टिप्स ही देती हूँ, कभी मेकअप कभी हेयर स्टाइल। तो आज जैसे मैंने सोचा कि नहीं आपको कुछ वो घर का बताऊं, तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग किसी को स्पा करते हैं ना, सबसे पहले उसका हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश करने के बाद ही वो मास्क, तो ये एक मास्क जैसे हेयर स्पा का जो मास्क होता है, जिसको उसी तरह से अप्लाई करना है आप। इसके बाद कोई सीरम कुछ तेल कुछ भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वॉश इसके बाद आप वो नहीं करेंगे, शैम्पू नहीं करेंगे, ठीक है? इस मास्क में आपने क्या क्या मिलाया? इसमें मैंने मिलाया था
ये है आपका मेथे बोलते हैं ना, मेथी, मेथी के बीज, हाँ हाँ है ना, ये मैंने पीस के रखी हुई है। समझ में आया कि मैं इसको बताऊं कैसे? हाँ नहीं नहीं पता है, पता है, हाँ है ना, ठीक है। हाँ. तो वो उसमें हमने क्या करा, सुबह से, आज सुबह से ये जितना है ना, जितनी क्वांटिटी में है एक बड़ा चम्मच, उतना ही क्वांटिटी में ये है, इतना जो दिख रहा है ना आपको, ये हाँ, उतना ही क्वांटिटी में है। ये सुबह से मैंने ये दही में मतलब भिंगो के रखा है, दही में। ओके हाँ, इसमें दही है, एलोवेरा मैंने अपना फ्रेश वाला डाला, हाँ, ठीक है, और इसमें मैंने हनी डाला। अगर अभी मेरे को इसको यूज करना होता तो शायद मैं अंडा डालती, क्योंकि अभी मेरे को यूज नहीं करना तो अंडा मैं नहीं डाली, लेकिन मैंने अंडा उसको डालने के लिए बोला जिसके हेयर बहुत फ्रिजी है। अगर किसी के हेयर में बहुत डैंड्रफ है तो आप उसके अंदर एक नींबू निचोड़ लीजिए, लेमन एक निचोड़ लीजिए इसी मास्क के अंदर, ठीक है, और इसको एकदम रूट मतलब एकदम जड़ों में लगाना है, ठीक है, जड़ों में लगा के पूरा नीचे तक लाना है, ठीक है, ऐसे जैसे लगाते हैं ना ऐसे ऐसे तक पूरा जड़ से लेके पूरा नीचे तक, ओके। हेलो, हाँ हेलो, ये आपने बोला ना इसके बाद शैम्पू नहीं करना लगाने के बाद, हाँ हाँ, तो जैसे हम अंडा डालेंगे तो अंडे की तो स्मेल आ जाती है, हाँ अंडे की तो स्मेल आती है, तो फिर शैम्पू नहीं करेंगे तो स्मेल आएगी फिर तो, हाँ वो तो है ही, अपना अच्छा वाला कोई सीरम जिसमें थोड़ा परफ्यूम हो उसके बाद वो लगा लीजिए। अंडे की इतनी ज्यादा स्मेल नहीं आती, अगर आप, मैंने एक ये भी बोला कि अंडे का जो व्हाइट वाला डालना है, और आप हमेशा देखिए कि जो अंडे का येलो होता है उसमें स्मेल ज्यादा होती है, व्हाइट वाले में नहीं होती है। अच्छा, और जैसे अगर दही भी है तो दही से भी तो बाल में ऑयलीपन आ जाएगा ना, अगर हाँ, हम दही भी तो फिर वो भी तो मतलब हेयर में ऑयली ऑयली सा रहेगा, जैसे हम ऑयली नहीं चाह रहे तो हेयर हाँ, तो ऑयली रहेंगे फिर हमारे। हाँ हाँ हाँ, नहीं देखिए वो जो आपका ऑयलीपन है ना वो आपके हेयर को चिपकाएगा नहीं। अच्छा, जैसे कि तेल हम लोग लगाते हैं तो चिपक जाता है ना, ये चिपकाएगा नहीं, ये आपका सीरम के जैसे शाइनिंग वाला लुक देगा। ओके ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कुछ लगाने के बाद हमको नहीं मतलब होता ना इचिंग हो रही, तब आप शैम्पू सेकंड टाइम कर सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई एकदम वॉश हेयर में करना है, अगर आपका मतलब हेयर वॉश है तभी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके क्लियर, मैं आपको एक पैक भी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, वो फेस पैक हम बनाते हैं और वो फेस पैक को मतलब रामबाण बोलते हैं, ठीक है, वो मतलब बहुत सारी चीजों का इलाज है, अगर किसी को पिंपल है, एक्ने है और टैन हो जाता है, ठीक है, और जैसे कभी हम हमको मतलब थकान सी लगती है और रिलैक्सेशन के लिए हमको चाहिए होता है, तो हम एक वो ऐसा आपको पैक बना के दिखा रहे हैं, एकदम घरेलू है, ठीक है, जो हमारे पास होता नहीं है, कम से कम मसाला पट्टी से हम खरीद के लेके आते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, वो आप बना के फ्रिज में स्टॉक करके रख सकते हो, वो खराब भी नहीं होता है, ठीक है, आप स्क्रब हम बाद में बताते हैं। ये मुल्तानी मिट्टी है, पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, ये तो कहीं भी मसाला पट्टी में आपको मिल जाएगी, okay. ये पिसी हुई है। कितना लेना है मुल्तानी मिट्टी? ये 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है, ये मैं डाल दे रही हूँ इसमें, ये चंदन पाउडर है, ये थोड़ा मतलब 50 ग्राम से थोड़ा कम है उसे, जैसे ये 100 ग्राम है तो ये 50 ग्राम होना चाहिए था, तो उतना मेरा मेरे पास था नहीं, अभी मिला भी नहीं, हमारे ना लॉकडाउन चल रहा है अभी, ठीक है, तो ये इसी में मिला देते हैं। अब ये मैंने लौंग पीसी हुई है, ठीक है, ये लौंग है जो मैंने पीस के रखी है, ठीक है, इसको अगर हम जब पीसते हैं ना तो ये इतनी सी पिसती नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको इसके साथ ही पीस लेते हैं चंदन पाउडर के साथ, तो बहुत अच्छे से पीस लेती है ये, मेरे को पिसा हुआ मिला, लेकिन फिर भी मैं जब इसको पीसती हूँ तो इसमें मिला लेती हूँ तो बहुत अच्छे से ये भी पिस जाता है, तब मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ। ये लौंग जो है ये 10 ग्राम है, ठीक है, और अब आता है कपूर। मार्केट में एक ऐसा कपूर मिलता है जो पूजा का हम है ना पूजा के लिए रखते हैं,
और एक जो हमारे फेस के लिए कपूर आता है वो ये होता है, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, अपने अंदाज से, लेकिन मेरे को जैसे लगता है कि ये 5 ग्राम होगा, होगा ना। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी रोज वाटर। आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं, टोनर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले। आपके पास जो भी टोनर हो ना, अगर आपको जो टोनर सूट करता है आप वो टोनर रखिए, और ये वाला ना बना के आप रखिए। ये गुलाब जल है, ये गुलाब जल उतना डालना है जितना पेस्ट बन जाए। मैं एक टोनर डाल रही हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी भी ब्रांड का मुझे वो नहीं कर रहा, तो एक टोनर है जो मैं डाल दे रही हूँ, ठीक है। अब इसको एक पैक के जैसे। रोज वाटर कितना और टोनर कितना? ये रोज वाटर मैंने उतना डाला कि जितने में ये मतलब एक जैसे पैक बनता है ना उतना सा बन जाए, ठीक है। अभी ये मुल्तानी मिट्टी ना इसमें फूलेगी, हाँ ये है कि आप डालते जाइए, मतलब उतना डालिए, पहले कम डालिए, फिर देखिए जैसे एक पैक जैसे बन जाए तो फिर इसमें। अच्छा, इसमें ना मैंने एक चीज और ऐड करनी है, हल्दी। हल्दी तो आपको पता है, हल्दी सबके पास होती है, लेकिन अगर हल्दी वो मिल जाती ना मुझे दूसरी वाली, ये पीसी वाली नहीं है ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो ये हल्दी हम ऐड करेंगे इसमें बहुत थोड़ी सी है। हल्दी तो देखिए एंटीसेप्टिक होती है, फेस के लिए अच्छी भी होती है। ये हल्दी भी मैंने ऐड कर दिया। मैम ये ड्राई स्किन या ऑयली स्किन किसके स्किन के लिए है? हाँ, ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन करा जो मैं भूल रही थी। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो इसमें आप धृत कुमारी ऑयल होता है ना, मिलता है धृत कुमारी ऑयल, ठीक है, आप लिख सकते हैं। आप ना वो ऑयल इसमें डाल दीजिए, ऑयल मतलब एक चम्मच, जैसे मैंने जितना बनाया ना जो मेजरमेंट में आपको बनाया, तो इसमें वो आप कुमारी ऑयल एक चम्मच आप मतलब मिलाएंगे। ये देखिए मैं हमेशा ऐसा पैक बना के रखती हूँ, हाँ, ये देखिए। आपने हल्दी कितनी डाली? हल्दी मैंने इसमें ज्यादा नहीं डाली, ये हल्दी हमने आधा टीस्पून डाली होगी, ठीक है। मैंने मतलब हल्दी कम डाली है क्योंकि ज्यादा डालने से ना फिर वो पीला पीला हो जाता है। जैसे ये था ना, इसका दो, ये जितना छोटा चम्मच है इसका हमने दो डाला है, ठीक है। तो ये पैक ना मेरा पहले का बना हुआ, ये मैंने अभी बनाया, तो अभी इसका कलर ये है, ये पहले का मेरा पैक है। कलर अगर ऐसा हो जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने टोनर वोनर डाला हुआ है ना ये, लेकिन फ्रिज में स्टॉक करके रखना है। आप ये वाला पैक को ना आप बनाइए, और जैसे किसी को अगर अंडर आर्म्स में गुम फोड़े जैसे हो जाते हैं ना, जो बंद तो जाते हैं फोड़े लेकिन पकते नहीं है जल्दी, तो उसमें लगाइए। पीएपीए में किसी को बहुत हो जाता है, किसी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसमें ना ये वाला पैक का लेप लगा के छोड़ दीजिए। जैसे टीनेजर बच्चे हैं, टीनेजर बच्चों को आप जहां जहां पिंपल है ना वहां पे सिर्फ ऐसे 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 करके ही लगाइए, ठीक है। जहां जहां पिंपल है वहां वहां ऐसे ऐसे करके बहुत कूल, मतलब इसमें जो मैंने कपूर डाला है, लॉन्ग डाला है, उससे एकदम कूलिंग इफेक्ट आता है। आप ये वाला बना के अपने घरों में। ये चेहरे वाली कपूर कहाँ मिलेगी जो स्किन पे हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं? ये कपूर भी आपको वहीं से मिलेगी, मसाला पट्टी होता है ना जहाँ पे हमें जड़ी बूटियां मिलती है, ठीक है, वहीं से। किस नाम से मांगते हैं इसको? कपूरी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर जब अगर ये ना मिले तो आप देसी कपूर है क्या? हाँ, देसी कपूर, ढीला, हाँ ढेला ढेला ऐसे होता है, ढेला चूरा। तो अगर ये आपको ना मिले तो आप ये कपूर यूज कीजिए। तो आप इसको कैसे यूज करना, जैसे मैंने ये बना दिया ना सारा पैक, तो अब आप किसी कपड़े में, किसी पतले कपड़े में इसको डाल के, ठीक है, उसके अंदर आप डाल देंगे, हाँ, इसके अंदर डिबो देंगे, डुबो के रखेंगे,
तभी अपना असर छोड़ देगा। किसी कपड़े में, पतले कपड़े में आप बांध के इसको, ठीक है, मतलब ये जितना है ना, ये जितना मैंने बनाया, ये जितना मैंने बनाया, इसमें ये जितने हैं, इसमें क्यूब्स, इसके अंदर जितने क्यूब्स हैं, वो आप एक कपड़े की पोटली बनाइए, उसको बांध के इसके अंदर डुबो के रख दीजिए, ठीक है। ऑयली स्किन के लिए उसमें तो कुछ डालना नहीं है ना? नहीं, ये ऑयली स्किन के लिए तो मैंने बोला ना कि गरम पानी है। अगर आप, आपकी ऑयली स्किन, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी तो आपको पता है कि थोड़ा ड्राई करता ही है, ठीक है। और जैसे हमारे बच्चे हैं दो, तो उनको पिंपल वगैरह होते हैं, तो हम यही एकमात्र यही यूज किए हैं, आज तक भी मैं यही यूज की हूँ उसको, मैं कभी कुछ हमने कुछ और लगाया। आप हल्दी को हल्दी कह रहे थे ना कि अभी मेरे पास ये है, कौन सी डालना चाह रहे थे? कच्ची हल्दी। हाँ, कच्ची हल्दी जो मिलती है ना मार्केट में, मार्केट में पीसा जाता है वो। ओके, अच्छा एक बात बताइए, इसकी पाउडर बना कर रख सकती हूँ जिस समय इस्तेमाल करना हो उसके 15 मिनट पहले, इसमें टोनर हाँ, और वो रोज वाटर ऐड करूँ? हाँ हाँ, वो भी बहुत सही है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। पाउडर बना के भी आप रख सकते हैं और जिसे यूज करना है उसी टाइम आप उसको लगाइए, ठीक है। मैम कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप जहाँ ऑयली है ना okay. उसी एरिया में लगाइए, ठीक है। अगर पिंपल है, ड्राई एरिया में अगर पिंपल है तो आप उस जगह में भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक बेनिफिट और है ना, जैसे आपने लगाया है, लगाने के बाद ना आप इसको ऐसे लगाया, ठीक है, लगाने के बाद जब ड्राई हो जाएगा, जब ये ड्राई हो जाएगा तो जो मैंने लौंग डाली है ना, देखिए लौंग के कुछ ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है। आप हल्के पानी में ना, पानी में अपना हाथ भिगा के हल्के हाथ से आप इसको स्क्रब की जैसे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके आप इसको रिमूव करके मतलब नोज के ऊपर भी आप ऐसे ऐसे रिमूव करके इसको निकालिए बाथरूम में। जब और एक चीज मैं बता रही हूँ, जिनका ड्राई स्किन है वो इसको बाथरूम में जब घुसते हैं तब मतलब लगा लें और जल्दी ही जाके बाथरूम में इसको धो लें, और जिसकी ऑयली स्किन है वो सारी रात भी लगा के रख सकते हैं। मैम इसको कितने दिन पे दोबारा लगा सकते हैं? कितने दिनों में लगा सकते हैं? जिनके पिंपल्स है, जिनके पिंपल्स है बहुत ज्यादा है ना, या जैसे टीनेजर बच्चों के बहुत जल्दी मतलब बहुत ज्यादा होते हैं पस वाले छोटे छोटे, तो आप उसको डेली डेली लगाने बोलिए, रात को सोते वक्त लगा ले एक बार, दो टाइम लगा सकते हैं इसको, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसा कुछ ड्राई बहुत ज्यादा लगे तो जो उनको मॉइस्चराइजर सूट करते हो आप उनको एक मॉइस्चराइजर दे दीजिए, लेकिन ये इससे क्या है कि आपका पिंपल कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्लियर, इसके लिए ये पैक तो आप लोग जरूर बनाइएगा, सब लोग बनाइएगा, मेरे यहाँ बहुत बनता है, बहुत चलता है, बहुत सेल भी करती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता रही हूँ, जैसे हम लोग बीचेस वगैरह घूमने जाते हैं ना, बहुत टैन हो जाता है, टैन के लिए तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी स्किन में टैन हो जाता है, थोड़े दिन के लिए, जैसे बीच में घूमने का तो आके देखो तो एकदम काले हो जाते हैं, तो या फिर किसी किसी के ना एक्ने के बहुत दाग छोड़ के चले जाता है वो, ठीक है। तो ऐसी स्टेज में ना आप काम कीजिए, खीरा और एक टमाटर, ऐसा कीजिए, एक खीरा और टमाटर को आप क्रश कर लीजिए। अगर ऑयली स्किन है तो आप खीरा और टमाटर बराबर मात्रा में लेते हैं, ठीक है, और अगर ड्राई स्किन है तो आप टमाटर थोड़ा कम कर सकते हैं, खीरा ज्यादा ले सकते हैं, ऐसे करके क्रश किया। एक बात और पूछनी थी, अगर किसी के चेहरे पे हल्का गड्ढा जैसा रहता है उसमें भी यूज कर सकते हैं, फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गड्ढान मतलब क्या होता है ना कि जो हमारा जब पिंपल हुआ होता है तब वो पिंपल पकता नहीं है और वो हम निकालते नहीं है, या तो फिर क्या हुआ जब पिंपल्स हुआ था
तब हमने उसको निकाला नहीं, मीन्स हम लोग मना करते हैं कि निकालना नहीं है, पार्लर वाले तो हम लोग जैसे निकाल देते हैं, तो वो क्या होता है अंदर ही अंदर वो उसके ऊपर स्किन आ जाती है, उसको बोलते हैं अंडर स्किन मतलब पिंपल, तो उसके अंदर वो चला जाता है और ऊपर से स्किन आ जाती है, तो अंदर में वो गठान बन जाती है, तो आप उसके लिए ये वाला पैक और अच्छा रहेगा उसी सिचुएशन में जो मैंने बोला कि वो स्किन को पहले सॉफ्ट कीजिए, पहले क्लीन अच्छे से कीजिए और उसके बाद एक काम कीजिए, जैसे मैं आपको पहले बता दूं ये बहुत अच्छी चीज है, हाँ ये आप लोग भी कर सकते हैं, अभी घर पे बहुत रिलैक्स लगता है ये, जैसे बनाना ये देखिए, ये खीरा और टमाटर मैंने ऐसे क्रश कर दिया, ठीक है, और ऐसा एक गौज लीजिए, गौज अगर गौज है ठीक है, अगर गौज नहीं है लॉकडाउन के टाइम में आपके पास में कहां से गौज होगी, तो आप एकदम पतला कपड़ा है, नहीं तो आप एक काम कीजिए, टॉवल लीजिए, आंखों के ऊपर एक कॉटन रखिए, कॉटन गीला करके रखिए, और टॉवल को क्या करिए चारों साइड आप मुंह के ऐसे करके रख लीजिए, उसके बाद ये वाला लेप जो है ना ये पूरा अपने आंखों के ऊपर भी डालिएगा, ठीक है, पूरे फेस में आप डाल दीजिए, डाल के आप इसको 15 मिनट छोड़ दीजिए, रस जो जिधर जाता है जाने दीजिए, हेयर की तरफ जाता है जाने दीजिए, लेकिन आप 15 मिनट इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वॉश कीजिए, इतना रिलैक्स लगेगा ये। अब क्या हुआ कि जो गठान वाली स्थिति में गठान एकदम सॉफ्ट हो गया, और अब आप जो गठान वाला एरिया है उसमें ये वाला पैक मोटा मोटा लगा के छोड़ दीजिए, ये वाला प्रोसेस आप कम से कम उसको उसके लिए रेगुलर 10 दिन कर दीजिए, उसके बाद देखिए उसका वो पिंपल बाहर आएगा, मीन्स उसके मुंह बनेगा उसका, ठीक है, जब वो मुंह बन जाएगा तो आप हल्का सा पुश करके उसको निकाल सकते हैं। मैम ये जो पैक आप बताएं वो पिंपल्स वालों लोगों के लिए ही है क्या? कौन सा जो मैंने ये वाला बताया था? ऑल ओवर स्किन के लिए, मैंने क्या बोला इसका नाम रामबाण रखा है हमने, ओके मैम, जो भी मतलब यूज करता है मतलब जिसकी स्किन जिसको टैन है, अगर आपको जैसे मैंने इसमें मिंट और लौंग डाला है ना और टोनर डाला है, तो आप जैसे अपने हस्बैंड को भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जब आते हैं थके मंदे तो उनको भी रिलैक्स के लिए बोला लगा सकते हैं, और जब आप इसको लगाने के बाद ड्राई हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा तब अपने हाथों को आप गीला कीजिए पानी से और इसको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज करके इसको निकालिए। हम आपको एक चीज और बता दें कि हम लोग स्क्रब करते हैं ना, तो कुछ लोग घर पे स्क्रब करते हैं ना, तो बाजार का स्क्रब मैंने तो घर का बनाया है अभी, ठीक है, तो वो स्क्रब करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे मतलब लोग आते हैं जिनके इस एरिया में बहुत डार्क होता है, ठीक है, तो कुछ लोग घर पे ही अपना स्क्रब करते हैं, वो इतनी जोर से रगड़ देते हैं कि स्किन डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो हमेशा आप स्क्रब करें ना, जैसे मैंने अभी बोला कि ये पैक आप लगाइए और उसको क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे करके हल्के हाथों से, अब आप नोज में आएंगे तो उसको नोज को ऐसे ऐसे मत रगड़िएगा, क्रॉस हैंड रगड़िएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ भी क्रॉस हैंड रगड़िएगा और से फोरहेड पे भी क्रॉस हैंड रगड़ने का मतलब है कि आपका प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि देखिए हम लोग जब ये एक्चुअली ये टच करते हैं जब, तो दूसरा कोई टच करता है तो पता चलता है ये टच करा, जैसे हम टच करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने टच करा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अपने अरे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड है उसको ज्यादा जोर जोर से करता तो एरिया पूरा डैमेज हो जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है तो डार्क हो जाती है। आज हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं, स्क्रब, घर का स्क्रब, ठीक है, तो ये है मसूर की दाल है, मसूर की दाल हम ऐसे रखते ही अभी गा के, ठीक है, मसूर की दाल है ये पीस के मैंने रखी हुई है, इसको मैंने मसूर की दाल को मैंने दही में डाला हुआ है, ठीक है, दही में डालने के बाद जैसे ये तो पहले ऐसे बहुत खुदरी सी थी, दही में डालने के बाद ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, ठीक है, और कुछ मत मिलाइए इसमें, ज्यादा कुछ मिलाने की जरूरत है नहीं, बस इसको भी स्क्रब की तरह आप अपने फेस पे लगाइए, आप एक महीने इस स्क्रब को रेगुलर कीजिए, कोई ड्राई नहीं होगा, कोई मतलब ऑयली नहीं होगा, आपका चेहरा एकदम ग्लोइंग हो जाएगा, साफ हो जाएगा, एकदम आपका चेहरा व्हाइट हो जाएगा, मतलब कलर भी आपका थोड़ा व्हाइट हो जाएगा, आप लगा के करके ये वाला दिखे, बहुत अच्छी चीज है मसूर की दाल। कुछ स्क्रब ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने चावल ये मसूर वाला क्या है कि ऑल ओवर स्किन पे चलेगा, लेकिन ये जो चावल वाला है ना ये मतलब जैसे हमारे इस पे बहुत सारे स्किन होती है ना, एक बेबी स्किन होती है, सॉफ्ट स्किन होती है, ठीक है, और एक थोड़ा हार्ड स्किन होती है, तो ये जो है ये वाला हार्ड
हार्ड स्किन में भी चलेगा, सॉफ्ट स्किन में भी चलेगा, लेकिन ये नहीं, जो ये चावल वाले बहुत जन बोलते हैं मैं तो अपने चावल का स्क्रब करती हूँ, लेकिन चावल का स्क्रब आप करेंगे ना तो ये बहुत हार्ड होता है, है? आप अगर किसी बेबी स्किन पे या बच्चों पे करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लगता है, टूटता है, ठीक है? तो आप इसको सब नहीं यूज कर सकते हैं, बच्चे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? टीनेजर नहीं यूज कर सकते हैं, हम बड़े यूज कर सकते हैं। ये चावल है और दूध है, रिटर्न का डालना है, क्वालिटी अच्छी नहीं बता रही, ठीक है? आपको और कुछ क्लियर करना है? किसी को कोई डाउट्स? किसी को कोई डाउट नहीं है? रद्दि मैम आज आए नहीं है क्या? इस पैक को गले में भी लगा सकते हैं क्या, बैक साइड में जो ब्लैक हो जाता है किसी किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पैक हमने बताया ना ये आप गले पे भी लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला, जैसे कभी कभी ना अंडर आर्म्स में या फिर हमारी वी लाइन पे कुछ फोड़े हो जाते हैं जिनका मुंह नहीं बनता है, वो उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ता है कि डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है और डॉक्टर उसको काटेंगे ऑपरेट करेंगे तब निकलेगा। लेकिन ये वाला पैक का बड़ा मोटा लेप लगा के अगर छोड़ देंगे ना तो वो दो दिन में बह जाएगा, हाँ फट जाता है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, ये चावल और दूध का क्या रेशो लेना है? चावल और दूध का, जैसे देखिए मैंने तो ये वाला जो लिया ना इसमें मेरा दूध ज्यादा है, तो जैसे आप अगर एक बड़ा बड़ा चम्मच, ये देखिए बड़ा चम्मच है ना, ये अगर लेते हैं तो उतना ही इसमें ना, जैसे मैं इसमें डाल के दिखा रही हूँ आपको, ये हमने सुबह से भिंगाया है, बहुत अच्छे से भींगा नहीं है, ये जैसे चावल है पिसा हुआ है, ठीक है? अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं। ये सुबह से मतलब भिंगाया है, इसलिए ज्यादा दूध डाला था मैंने, तो वो अभी तक वो फूला नहीं चावल उतने अच्छे से, और ये एक जितना फूला है ये काफी है ये वाला, तो अभी क्या है ना बहुत ही हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बेबी स्किन पे ये वाला नहीं जाएगा, जिनके बहुत ही ज्यादा ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा काले काले नोज पे, आप इसको नोज पे यूज करिएगा, काले काले जहाँ पे है, और ज्यादा हो तो चिन के नीचे यूज कीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए अगर ये मतलब ऐसा है तो थोड़ा इसको कम कर लीजिए और इसमें आप थोड़ा मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए, नहीं तो हनी हनी जरूर मिलाइए फिर इसमें, हनी की दो तीन, मैं एक मिनट, हनी की बूंदे इसलिए मिलाने बोल रही हूँ कि उससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। जो मार्केट में राइस फ्लावर मिलता है वो इसमें यूज कर सकते हैं? नहीं, वो ना बहुत ज्यादा पतला होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब वो तो आटे की तरह ही होता है, ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ना देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा कि दर्द पड़ रहा है ना, ये देखिए इसके नीचे है थोड़ा पाउडर भी। बाप रे, तुम इतना चोरा के लेके जा जरा जी, चोरा के लेके, तुम बेकार है, चोरा के ले। ये देखिए अब मैंने जैसे हनी डाला ना, ठीक है, तो अब ये जाके थोड़ा चिपकेगा और हनी अपना एक अपना इफेक्ट भी दिखाएगा। हेलो मैम, हाँ जी बोलिए। सन टैन के लिए कुछ बताएंगे क्या? ये जो मैंने ये पैक सन टैन के लिए मतलब लगा के जाने के लिए, घर से बाहर जब हम जाएं तो लगाएं कि आपके टैन हो गया उसके बाद लगाना है? हो जाता है उसके बाद लगाना है, उसके बाद अगर बता देंगे तो ज्यादा अच्छा है, पहले और बाद में दोनों बता देंगे तो बेहतर है, अच्छा है। अब जो जिनको सनटैन हो जाता है, जैसे किसी किसी को खाली फोरहेड में ही है, ठीक है ना, तो ये जो मैंने आपको बताया था ना खीरा और टमाटर, खीरा टमाटर जो बताया था, ये आप क्या करेंगे ऐसे ही क्रश करके भर भर के अपने सर पे जहाँ पे टैन है, जहाँ पे जिस एरिया में टैन है वहां लगा दीजिए, ठीक है? उसके बाद ये वाला पैक अप्लाई कर लीजिए, ठीक है? इस पैक में क्या क्या डाला मैम आपने? ये वाला जो मैंने बनाया है, आपने लगता बाद में थोड़ा ज्वाइन किया, नहीं इसमें मैंने मिलाया है मुल्तानी मिट्टी, हाँ ये मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर,
लौंग, हल्दी, और इसमें मैंने मिलाया है अपना ये कपूर, ठीक है, एलोवेरा। हाँ, नहीं एलोवेरा नहीं मिलाया मैंने, एलोवेरा नहीं मिलाया है, ठीक है। और इसमें हमने टोनर मिलाया है और गुलाब जल मिलाया है। इसको मैंने घोला, एक्चुअली पानी से नहीं है, गुलाब जल से, और थोड़ा टोनर, जो टोनर हमारे हमारे को सूट करता है वही टोनर हम इसमें डालेंगे, जो हम लगाते हैं हमको सूट करता है। तो जैसे हमने गुलाब जल डाला इतना कि ये घुल जाए, टोनर आप एक चम्मच डाल सकते हो ऊपर से, ठीक है। और हल्दी डाली थी, हल्दी बताया ना मैंने, हल्दी भी डाली थी। क्लियर। और मैम आइस के नीचे डार्क सर्कल होता है ना, उसके लिए कुछ है? जैसे ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये खीरा और टमाटर, ये आप यूज कर सकते हैं। डार्क सर्कल और से देखिए बहुत कम लोगों का ही ठीक हो पाता है, मैं सीरियसली बोलूं। बहुत सारे प्रोडक्ट भी आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वो कम हो जाता है। ये एक तो जेनेटिक होता है, दूसरी बात है कि अगर नींद ना पूरी हो तो, अगर ये जेनेटिक है तो ये कोई भी इलाज से नहीं जाता है। अगर नींद नहीं हो रही है, अगर किसी को कोई बीमारी की वजह से हो रहा है, तब हमने जो ये बताया ना खीरा और टमाटर वाला, यही आप एक एक इसका कॉटन का ना पतला सा एक पैड बना के आप अपने आंखों में रख लीजिए, ठीक है। और जैसे वो रखते हैं ना कि पूरा ढकना है, तो पूरा मत ढकिए, खाली आंखों के मतलब इस इलाके में ढकिए, और पूरे आंखों में वो ये पैक लगा दीजिए, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा धनिया पीस के आप डाल दीजिए। धनिया कौन सा? हरा धनिया। ओके। लेकिन ये पूरे एक महीने आपको लगातार करना होगा, तब जाके आपको आपके सर्कल का थोड़ा सा फर्क पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। और हेयर फॉल के लिए कुछ से? ये तो बहुत प्रॉब्लम हुआ अभी। अच्छा, हेयर फॉल। अच्छा, हेयर फॉल आप कौन सा शैम्पू लगाती हैं? कंडीशनर एकदम बंद कर दीजिए, कोई भी कंडीशनर आप यूज करते हैं तो कंडीशनर एकदम। एक्चुअली मैम मेरा भी पार्लर है। अच्छा 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 अच्छा, मैं पहले भी मिली हूँ आपसे, है ना? हाँ मिली हूँ। हाँ देखिए सतनाम, स्किन टाइटनिंग के लिए कुछ टिप्स दे। ये तो मैंने बोला है तुमको, ये तो सब बीमारी का इलाज लगाएगी ना, इसको जब ड्राई करेगी तो एकदम मतलब ये अब तुम्हारा खींच देगा, एकदम सूख जाएगा जब तो एकदम टाइट लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी तुमको कुछ अपने से अपना हाथ से अपना मतलब मसाज करना होगा, ठीक है। मतलब कैसे कैसे? फेस लिफ्टिंग मसाज जैसे करना होगा, ठीक है। वो करने के बाद ही ये वाला अप्लाई करेगी कोई भी, जैसे तुम अगर ये फेस वॉश लगाने, ये वाला फेस मास्क लगाने से पहले कोई फेस वॉश लगाओ अपने फेस पे, उसको लगा के थोड़ा पानी दे के, और तो देखो तुम्हारा वहाँ फोम बन जाएगा, ठीक है। वो फोम से ना तुम पहले अपना मसाज करो, ठीक है। उसी तरह आंख के भी अच्छे से, आंख बंद करके नहीं तो आंख में चले जाएगा, आंख जलेगा, ठीक है। अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद ये पैक लगाओ। पैक का थोड़ा मोटा लेयर लगाना, अगर टाइटनिंग चाहिए ना तो थोड़ा मोटा लेयर लगाना होगा, और वो इस जगह में भी लगाना। जब यहाँ लगाओगे, यहाँ पे रिंकल्स अगर है, इस जगह पे रिंकल्स है, तो क्या करो कि थोड़ा सा ऐसे खींचो और उस जगह पे अच्छे से डबल लेयर लगाओ, ठीक है। अगर किसी की यहाँ पे है तो ऐसे खींचो और वहां डबल लेयर लगाओ। अगर फोरहेड में है, फोरहेड ऐसे खींचो और डबल लेयर लगाओ अच्छे से, मतलब थोड़ा सूखा सूखा हार्ड लेयर हो जाएगा, हार्ड लेयर हो जाएगा तो फिर ये इफेक्ट करेगा टाइटनिंग का, ठीक है। और लिप्स को क्लीन करने और ग्लो करने के लिए कुछ बताओ? किसको? लिप्स को, लिप्स को, अपना लिप्स को, लिप्स को कैसे ग्लो करने के लिए कुछ टिप्स है? देखो लिप्स को सबसे पहले तो लिप्स को अगर हम लोग को ग्लो करना है तो हमको ये दही है ना, दही है, वो दही में थोड़ा सा, अगर तुम्हारे घर पे रोज लगा हुआ है गुलाब, नहीं रोज वाटर है, नहीं वाटर नहीं, गुलाब
गुलाब जल नहीं, फूल रोज पैटर्न चाहिए नहीं है भाई। अच्छा नहीं है तो गुलाब का पत्ता है ना, उसको ऐसे करके ले आके दो ठो रख दो और इसको दो हफ्ते करो, सिर्फ दो हफ्ते करो, ठीक है। अगर वो अभी जैसे वेदर है तो तुम उसमें दही डाल सकती है, और अगर विंटर है तो मलाई, ठीक है, मलाई मलाई निकालो, मलाई में रोज पेटल ऐसे करो और लिप्स में लगा के छोड़ दो थोड़ा देर, लिप्स में एक लेप लगा के थोड़ा देर आराम से सो जाओ, कम से कम 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद उसको हल्का सा ये कर दो, किसी कॉटन से रिमूव कर, और ये कम से कम दो हफ्ते लगातार करना होगा। लगातार करने के बाद ही तुम्हारे लिप्स में फर्क पड़ेगा, दो दिन करके अगर छोड़ दिया तो नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक, थैंक यू। इंस्टेंट ग्लो के लिए कौन सा पैक लगाना चाहिए? इंस्टेंट ग्लो के लिए कौन सा पैक लगाना चाहिए? वैसे तो मार्केट का या घर का बना हुआ कुछ? घर का बना हुआ। अगर आपको ग्लो चाहिए इंस्टेंट, मतलब क्या हमेशा के लिए, तो आप कच्चा दूध लाइए, कच्चा दूध है जो अगर कहीं से आप लाते मंगवाते हैं जैसे गाय वाय का, तो आप देखेंगे कि गाय का दूध जब आता है ना गरम गरम, तो ऊपर भी एक लेयर होती है, झाग झाग सा बना होता है। अगर आपको वो मिलता है तो आप क्या कीजिए, उसको हाथ से ऐसे निकाल लीजिए, निकाल के अपने दोनों हाथ से लीजिए और पूरे फेस में लगा दीजिए, पूरे फेस में भी लगाइए, नेक में भी लगाइए, देखिए कितना ग्लो आता, और वो दूध को पी लीजिए बाद में। तो बैग तो देखिए बहुत है घर का, अगर हम बोले तो जैसे पियोना मेरे को बोली थी कि टाइटनिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए केले का भी मतलब होता है पैक, स्किन टाइटनिंग के लिए है ना, आप बनाना लीजिए और उसको ना मसल दीजिए, किसी भी थोड़ा सा इतना सा लीजिए बनाना, इतना जो बाकी खा लीजिए, और इसमें थोड़ा हनी डाल दीजिए, कोई भी मधु डाल दीजिए जो आपके घर पे है, ठीक है, और इसको अच्छे से मसल के पूरे फेस में लगा दीजिए, और उसके बाद अपने घर का काम कीजिए, थोड़ी देर बाद देखिए आपका स्किन टनेगा, खुद फील होगा कि मेरी स्किन टन रहा है, ठीक है। इसको भी लेकिन रिमूव इसी तरह करना है, पहले गीले हाथ करेंगे, उसके बाद आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके पूरा रिमूव करेंगे, और किसी टिश्यू से या फिर पानी मार मार के धो दीजिए। अच्छा, बनाना की बनाना का छिलका नहीं, बनाना बनाना केला, केला को निकाल के मैश कर लो अच्छे से, वरना हम छिलके के साथ हनी लगा के मुंह में लगा लेते। तो यही करना चाहिए। हाँ ठीक है, छिलका का यूज हो जाएगा ना, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है। हेलो सतनाम। हाँ, हेयर कलर करने के लिए बहुत लोग मेहंदी अप्लाई करते हैं तो उनके हेयर एकदम रेड ऑरेंजिश टाइप के हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कलर डार्क आ जाए जैसे ब्राउनिश टाइप का या कुछ आ जाए मेहंदी से, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है, जैसे कि हम लोग पिछले दिनों से तो बोल रहे थे कि थोड़ा ब्राउन लुक देना है, तो आप वो दीजिए क्या कहते हैं अपना कॉफी है ना, कॉफी देने से थोड़ा ब्राउन लुक आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले काजल जो बनता था ना, हमारा काजल बनता था, हम एक लो जलती होती थी, दीप जलता था उसके ऊपर एक रख देते हैं और वो काजल नहीं बनाते हैं। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग है? हाँ, उसमें भी हम लोग घी मिला के फिर उसको काजल बनाते हैं ना, उसमें घी नहीं मिलाना है, उसका जो पाउडर है ना वो आप रख लीजिए, और जब आप हिना करोगे उस पाउडर को ना, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो पूरा पिलो उलो काला होने लग जाएगा, तो उसको मिला लीजिए, और जब तक आप वॉश नहीं करोगे तब तक आपके हेयर काले रहेंगे और काफी दिन तक टिके रहते हैं मेरे को लगता है। आयरन पॉट में कीजिए, आयरन पॉट अगर आपके पास है तो उसमें कीजिए, काफी हद तक काला ही रहता है। कॉफी कैसे मिक्स करते हैं? कॉफी आप आयरन पॉट में मेहंदी रखते हो जी है ना, तो उसमें आप अगर ऐसा करो कि मतलब जब सुबह रहे, जब लगाना है रात को नहीं, भिगाने का टाइम नहीं, ठीक है, रात को आपने मेहंदी भिगानी है, जब आपने मेहंदी भिगाई अगर आप चाय पत्ती के पानी पे भिगाते हैं तो बहुत अच्छा कलर निकल के आता, सुबह होते होते आप फिर देखेंगे कि पूरा काला काला भी हो जाता है, लेकिन वो काला कलर आता नहीं है, थोड़ा ब्राउन ही आता है। अब जब लगाना है ना तब आप उस पर कॉफी डालिए, अंडा डालिए, नींबू डालिए है ना, आपको जो जैसे अगर ये मेथी भी डाल लीजिए है ना, तो वो डाल के आप लगाइए, देखिए आपका ब्राउन मतलब अच्छा ब्राउन आएगा, ऑरेंज नहीं आएगा, कम से कम ऑरेंज तो नहीं आएगा, अभी तो मैंने मेहंदी ही लगाई हुई है,
क्या ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज है मेरे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बहुत तो मुझे मेहंदी अभी हिना ही करा हुआ है मैंने अभी कलर किया ही नहीं हुआ है ठीक है थैंक यू वेलकम टाइम हो गया क्या मैं जाइयो के बताइए हेलो मैम सॉरी क्या जाइयो के लिए बताइए कुछ पिगमेंटेशन के लिए ना तो ये जो मैंने बताया ना ये भी उस पे बहुत अच्छे काम करता है ये अच्छा। ये जो मैंने बताया ना ये भी उस पे बहुत काम करता है ये आप बना के रखिए और उसे हो जाता है मेरे को भी हुआ था ठीक है मैं सीरियसली एकदम झूठ नहीं बोल रही हूँ आप अगर चाहिए है किसी को तो आप ये वाला पैक जरूर बनाइए और मेरे पूरे इस एरिया में हो गया था मुझे मतलब टेंशन हो गई थी कि मेरे को लोग क्या बोलेंगे ये तो मेरा बर्थमार्क भी है लेकिन यहाँ पे बहुत हो गया था मैंने सिर्फ इसी को अप्लाई किया और रोज उसी एरिया में अप्लाई किया जहाँ पे वो छाइया थी ठीक है डेली लगाना है ना डेली डेली जब तक वो ठीक नहीं हो गया और एक चीज बता दूं मैं कि वो जब मैंने यूज किया और ऐसा नहीं है कि मैंने बंद कर दिया तो वो फिर से आ गई लेकिन हाँ मेरे को फिर जब थोड़ा दिखने लग जाता है ना फिर मेरे को जब दिखने लग जाता तो फिर मैं इसको अप्लाई करना चालू कर देती हूँ अच्छा जैसे हाँ. इसको यूज करते हैं मैम तो फेस वॉश वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं उसके बाद या पहले आराम आराम से आप जो भी अपना यूज करते हैं ना वो यूज कीजिए उसको किसी को मनाही अच्छा. नहीं है ठीक है और अच्छा. देखिए ऐसा है ना ये अगर आप बनाते हैं ये तो सालों साल हम बोले ना फ्रिज में रखिएगा अगर जैसे टोनर डाल के मैंने बनाया है तो सालों साल फ्रिज में रख सकते हैं नहीं तो किसी ने मुझे एक बहुत अच्छा बोला था कि क्या मैं पाउडर बना के रखूं और जब चाहिए तब मैं उसको यूज करूँ हाँ वो भी क्योंकि मैं इसलिए इसको बना के रखती हूँ क्योंकि मेरे सेल भी होता है तो मैं इसको डब्बे में डाल के रखती हूँ तो ये सेल भी हो जाता है मेरा हम लोग और भी मतलब कुछ कुछ अलग अलग एक करके करते हैं लेकिन मैंने बड़ा इजी बताया आपको तो ये आप करके देखिए ट्राई बहुत ही अच्छा रहेगा ठीक है और कुछ मैम जैसे मेरा बैक साइड है ना नेक के नीचे वाला पोर्शन वो पूरा टैन है टैन समझ लो उसमें जो ना टैन भी नहीं कह सकते वो परमानेंट ही ना ब्लैक है वो पोर्शन अच्छा अच्छा तो उसमें यूज कर लूं ये वाला अब कीजिए लेकिन क्या होता है ना कभी कभी हम लोग एक मोटा चेन पहन के हाँ जी सतनाम आपने बोला था कि कंडीशनर नहीं लगाने के लिए नहीं सुना मुझे सॉरी आवाज आप बोलिए ना हेलो आवाज आ रही है हेलो अब आ रही है आवाज हाँ हाँ बोलिए बोलिए कंडीशनर आपने बोला नहीं लगाना है तो कोई नेचुरल कंडीशनर बता सकती हैं देखिए मैंने एक्चुअली कंडीशनर इसलिए मना किया जिसके हेयर फॉल होते हैं ना तो उनको मैं मना कर रही हूँ कि आप थोड़े दिन स्किप कर दीजिए और से आप नेचुरल बोले तो अब चावल चावल भिंगो के आप रख दीजिए ठीक है नेचुरल जो कंडीशनर आपको ये करना है बाथरूम में करना है आप चावल भिंगो के रख दीजिए उसमें आप एलोवेरा जेल डालिए है थोड़ा सा हनी भी डाल लीजिए ठीक है वो कंडीशनर कीजिए उसको आप स्प्रे जैसे बना के अपने बाथरूम में रख लीजिए और जब आप नहाते तब हाँ या फिर आप रेगुलर जैसे जब जाना है तभी आप बाथरूम में उसको बना के लेके जाइए वैसे नेचुरल कंडीशनर हम लोग बोलते हैं विनेगर का भी होता है विनेगर से भी आप कर सकते हैं है ना बहुत जन विनेगर से करते हैं बहुत अच्छा हेयर रिजल्ट आता है नेचुरल कंडीशनर तो चावल के करते और होनी से भी कंडीशनर होता है दही केला और दही केला और होनी से भी कंडीशनर काम करते हैं वो भी दही और केला दही केला और होनी हनी केला का अच्छा, क्या होता है केला क्या करता है ना अगर आप हाँ, बालों पे सिपकते ये जल्दी निकलता नहीं है हाँ, हाँ, तो लेकिन ये बेस्ट कंडीशनर है हाँ फेस के लिए फ्रेश कंडीशनर अच्छा, नहीं 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 हेयर हेयर के लिए हेयर हाँ हाँ अच्छा नहीं नहीं ठीक है चावल लेना है चावल अच्छा लेना है जो चावल का पानी बोला आपने हाँ हाँ चावल कच्चे हैं चावल भिजा के उसका पानी ना चावल भिजा के जो धोते हैं वो कच्चे चावल कच्चे चावल का पानी निकाल लेंगे नितार के हाँ जो कच्चा चावल को हम लोग क्या करेंगे पहले धो लेंगे फिर उसको अच्छे से ना भिंगा के छोड़ देंगे ठीक है मतलब ओवरनाइट पूरा रहने दीजिए और सुबह उस चावल का पानी को जैसे मैंने उसमें कहा थोड़ा हनी डाल लीजिए अगर एलोवेरा जेल सॉरी
अभी किसी ने बोला कि आप केला डाल सकते हैं, केला हम लोग इसलिए नहीं डालते क्योंकि कंडीशनर है ना वो चिपकेगा, तो अगर हाँ केले को आप एकदम बहुत ही अच्छे से चटनी बना लेते हैं तब लगा के देखिए शायद वो मतलब घुल जाए उसमें, ऐसा हो कि वो गोल सा बन जाए, ऐसा हो मतलब वो पेस्ट ना बने, तब वो आराम से आपका निकल जाए। हाँ जी नेक के नीचे जो आपने बोला ना तो वो एक्चुअली अक्सर क्या होता है कि जो मोटा सारा चेन पहन के रहते हैं तो उनकी ये स्किन का ये सब इलाका ना मतलब डैमेज हो जाता है, मतलब नहीं मेरा नेक नहीं है बैक साइड है, मतलब बैक साइड नेक के नीचे जो हाँ जो ब्लाउज पहनते हैं ना तो गला आता है वो पूरा टैन है, वो टैन है। क्या प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे, डार्क हो गया? प्रॉब्लम नहीं है बस डार्क है वो। अच्छा अच्छा तो वहाँ भी आप ये लगा के दिखे ना जैसे मैंने बोला ना, लेकिन वहाँ पे कोई आपको लगा के देने वाला होना चाहिए, मतलब ये फायदा करेगा, वो तो अपने हाथ से लगा लूंगी, ज्यादा नीचे तक नहीं है हाथ चला जाता है वहां तक। हाँ 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 तो लेकिन आप ना वहाँ पे आप जो ये मसूर दाल की मैंने वो बोला ना स्क्रब, मसूर दाल का जो मैंने स्क्रब बोला पहले आप वो स्क्रब कीजिए अच्छे से उसी इलाके में, ठीक है? स्क्रब करने के बाद फिर वो जो मैंने आपको पैक बोला है ना वो पैक अप्लाई करके छोड़िए, ठीक है? हाँ तब देखिए बहुत फायदा करेगा। मसूर दाल स्क्रब में क्या डाला आपने एक बार बताइए? मैंने मसूर दाल में कुछ नहीं डाला था, इसमें मैंने खाली दही डाला था, दही डाल के सुबह से भिगा के रखा हुआ है तो ये इस तरह से बन गया, नहीं तो मसूर दाल मतलब गलने में तो थोड़ा मतलब टाइम लगता ना अगर तो इसीलिए ये इस तरह से मसूर दाल का इस तरह से ये स्क्रब बन गया, थोड़ा मतलब ये सॉफ्ट हो गए हैं मसूर जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, ग्रेन्स इसके थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। कोई पर्टिकुलर है मसूर दाल लेने का या कोई भी स्मॉल दाल ले सकते हैं? जो भी छोटी बड़ी मसूर दाल कोई भी है ना जो हम लोग खाते, खाली ये कि मसूर दाल जब हम स्क्रब बनाएंगे इसका जैसे पीसने से पहले हमने धोया तो नहीं लेकिन इसके ऊपर बहुत पाउडर था तो हमने क्या किया एक अच्छे साफ सुथरे कपड़े में रख के ना उसका पाउडर पूरा अच्छे से पोंछ लिया, ठीक है ना, पाउडर पूरा निकाल लिया, जब वो फिर एकदम जब को ये ऑरेंज नजर आने लगे तब हमने इसको पीसा है क्योंकि उसके ऊपर ना एक पाउडर जैसे था जैसे केमिकल जैसे था, जब हम खाना बनाते तब तो वॉश कर लेते तो ये फिर वॉश नहीं हो सकता था ना, इसलिए हमने उसको अच्छे से पोंछ लिया। देखिए मैंने जहाँ बैग लगाया था और पोंछा वो एरिया कितना साफ हो गया है। पपीते का पके हुए पपीते का जो पैक होता है, हाँ घरेलू तो आप देखिए बहुत कुछ है, किस स्किन के लिए सूट करता है वो, किस पे लगाना चाहिए उसको? ऑयली स्किन। हाँ देखिए पपीता बहुत अच्छा है, आप सबको सूट करता है, अगर वो सूट करता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सूट करता है तो मतलब कोई फायदा नहीं, किसी किसी को नहीं भी सूट करता है, लेकिन पपीता ऑयली स्किन के लिए होता है और पिगमेंटेशन पे भी काफी काम आता है पपीता, कम मतलब बहुत तो हटा तो नहीं देता लेकिन कम दिखाता है, ठीक है? और कुछ और किसी को कुछ पूछना है? आप लोग सब अभी आप लोग सबके यहाँ लॉकडाउन हट गया क्या? नहीं अभी नहीं हटा, सब जगह लगा। अच्छा हमारे तो लॉकडाउन लगा हुआ है इसीलिए मैं सबको घरेलू टिप्स बता रही हूँ, बहुत जन मुझे बोल रहे हैं कि अरे हम क्या करें हमारा स्किन ऐसा, लेकिन आप थ्रेडिंग वाला जरूर कीजिए, थ्रेडिंग आप लोग आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए, थैंक यू वेरी नाइस सेशन सतनाम, वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत अच्छे थे, इट वाज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी गुड वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू सो मच। लेकिन मैम आप लोगों ने किसी ने भी ना बोला नहीं था कि मतलब जब फिनाले हुआ कि हम जैसे मैंने हमेशा ब्यूटी टिप्स बताए हैं, कभी मैंने मेकअप बताया, कभी मैंने हेयर बताया, ठीक है, सबने बताया, खाली बोला कि क्राफ्ट सेशन बहुत अच्छा लगता है और कुकिंग सेशन बहुत अच्छा लगता है, बस सबने वही बोला, मैंने अब बोलेंगे तो बोला ही नहीं, लेकिन आप इनको भी याद रखिए कैसे मैं आती रहूंगी बीच बीच में आप लोगों को कुछ कुछ टिप्स बताती रहूंगी, ठीक है? ओके वेलकम, थैंक यू सो मच, एनी अदर क्वेश्चंस एनीबॉडी? But now we'll end the session.